नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आंवला में लोक निर्माण विभाग द्वारा रेलवे के आधिपत्य की भूमि पर हवाई पट्टी से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग पर डांबरीकृत सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य का ठेका फर्म शर्मा एंड संस बैतूल को दिया गया है। सड़क निर्माण कार्य स्थल पर ठेकेदार द्वारा परिवर्तित मार्ग के संबंध में बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिसके चलते बाहर से आने वाले वाहन भ्रमवश दुर्घटना के शिकार हो रही हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार मौन है। शनिवार देर रात रास्ता भटके ट्रक क्रमांक MP09HH2385 के चालक ने भ्रमित होकर ट्रक रिहायशी इलाके रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड क्रमांक 12 से निकलकर बैतूल जाना चाहा। इस दौरान वह दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना में चालू 11 KV लाइन के तार टूटकर बिखर गए। वहीं एक खंभा चकनाचूर हो गया, जिससे 5 ट्रांसफार्मर बंद होने के लक्ष्मण नगर सहित टैंगोर वार्ड की बिजली व्यवस्था 24 घंटे के लिए बाधित रही, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही रहवासियों के विद्युत उपकरण भी खराब हो गए। रहवासी हरिमालवी, अनिल यादव, विकास जायसवाल, रुपेश राजौरिया आदि ने बताया कि जब से सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से प्रतिदिन लक्ष्मण नगर और टैंगोर वार्ड में भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है, जिसके चलते दुर्घटनाएं का डर यहां बना रहता है। बीती रात ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से बिजली व्यवस्था प्रभावित रही, जिसके कारण हमें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम मांग करते हैं कि इलाके में भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर सड़क निर्माण कार्य स्थल पर सांकेतिक बोर्ड लगाया जाए। क्या नाम है? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? कहाँ जा रहे थे? इधर इधर कैसे आए थे? रोड अच्छा इधर आया तो इधर रोड बंद, गाड़ी घुमा के फिर जा रहा। ये घटना कैसे घटित हुई? 2:33 क्या क्या कारण है? कार पड़ गया था। जैसा कि आपको मालूम कि हाईवे का रोड नहीं, फिर इधर क्यों आए आप? मेरे को जैसा रोड बताया वो रोड बंद है। अच्छा, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये एक 11 KV लाइन ट्रक से टूटी है, आम रास्ता नहीं है, क्या कारण है इसका? कारण यह नगर पालिका की मतलब लापरवाही है कि यहाँ दिशा सूचक बोर्ड नहीं है, वो कम से कम यहाँ पे लगाए, लोगों को आने जाने का रास्ता पता रहे और अंधेरा भी रहता है। अंधेरा रहता है, जिसकी मांग हमने अभी MPP में करी भी है, जो मैडम ने देख के गई और लगाने वाले। घटना कब घटित हुई? 12 बजे के करीब। क्या परेशानी हुई आपको इस घटना? यहाँ पे हमारे क्या बोलते हैं टीवी फ्रिज लोगों के उड़ चुके हैं और क्या बोलते हैं रात भर लोग सो नहीं पाए, इससे परेशानी हुई है। आप शासन से दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाने की मांग करते हैं और भारी वाहन पर प्रतिबंध लगाए और आने वाले समय में किसी पर इस प्रकार की कोई घटना ना। ठीक, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विकास जायसवाल है। क्या घटनाक्रम है रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड? लगभग 11:30-12 बजे की बात है, क्या ये हो सकता है 1 बजे के बीच की बात है? ये जो आप ट्रक देख रहे हो हेवी ट्रक जी, इस रोड पे नहीं गुजरना चाहिए सबसे पहले, नियम ये है जी, क्योंकि आबादी का है, मोहल्ला है ये जी। उसके पश्चात ये इस तरफ से आया और 11,000 KV की लाइन जो है जी, उसने तोड़ा। अच्छा, इसमें कठोर कार्रवाई की मांग की जाए। दूसरी बात, जो रोड बन रही है जी रेलवे की, वहाँ कोई दिशा नहीं दिया गया जी, कोई नोटिस बोर्ड लगा दे कि रोड डाइवर्टेड है जी। कोई भी हेवी वाहन चाहे कॉलोनी की रोड से ले ले, चाहे इस रोड से ले ले, चाहे गली की रोड से ले ले, हर तरफ से भारी वाहनों का रैली चली जा रही है। देखने में ऐसा आ रहा है कि आए दिन निकलते रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड से भी वाहन गुजर रहे हैं। आप खुद देख सकते हो, छोटी सी रोड है, मोहल्ला है, बच्चे लोग खेलते हैं, रोड भी डैमेज हो रही है, हेवी ट्रक बसें यहाँ से जा रही है, डंपर यहाँ से जा रहे हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं, इस पर शासन का कोई ध्यान नहीं जाता। अगर ध्यान देना चाहे नगर पालिका यश भी रह सकती है, बोर्ड भी लगा सकती है कि यहाँ पे भारी वाहन प्रतिबंधित है जी, मगर नहीं, यहाँ से नगर पालिका का कोई सहयोग नहीं है, ना ही रेलवे का कोई सहयोग है। सबसे पहले रेलवे से ये मांग की जाए कि जो रोड बनाई जा रही है वहाँ पर संकेतिक बोर्ड लगाया जाए, ताकि वो डायवर्टेड मार्ग व्यवस्थित हो सके।
एक यहाँ लगाया जाए गोलकी रोड पे और एक लगाया जाए एयर ड्रम। कौन सी रोड ट्रक कहाँ से जाएगा, कौन सा वाहन कहाँ से जाएगा? हम ये माने घटना करा रहा हूँ, पूरा दिशा सूचक बोर्ड नहीं होने से घटना घटित हो रही। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम भाई साहब आपका? हरी मालवी। क्या दुर्घटना घटी रात? क्या घटना घटित हुई आपके वार्ड में? सर ये इधर से क्या बोलते थे, ट्रक आ रहा था और आजकल हेवी ट्रक इधर से ही चलने लगे हैं जिसके कारण ये दुर्घटना हो गई। रात में कितने बजे ये घटित? करीब एक एक डेढ़ बजे के आसपास। जैसा ज्ञात हो 11 केवी की लाइन टूटी, इससे क्या परेशानी हुई आप? रात पर हमें नींद नहीं आई, मच्छरों ने हमें परेशान किया, छोटे छोटे बच्चे टीवी फ्रिज उड़ गई, बच्चे लाइट वगैरह पे भी डैमेज हो गए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि भाई ये व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जाए, ऐसी व्यवस्था बनाए रखे और दोबारा मतलब ऐसी घटनाएं ना हो। आमला से खबर समय जगत के लिए हरि प्रसाद गोहिक रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।